ready? 1, 2, 3, go! सारे बोलो, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, फिर से बोलो। मैं हूँ मयंक रानी, एक्टर एंड शॉर्ट फिल्म मेकर। आज मैं एक नई तरह की वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आया हूँ। तो ये वीडियोस ऐसी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। एनएसडी का सफर जो मैंने 2021 में फाइनल वर्कशॉप तक जो दिया था, वो सफर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अभी अगर मेरी तरह ही एक्टर है तो जरूर चैनल पर बने रहिए। एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हमारे बॉलीवुड में जितने भी अभिनेता हैं, बहुत सारे अभिनेता BNA से, NSD से, FTII से पास आउट हुए हैं। क्योंकि एक सफल अभिनेता बनने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। मैंने 2019 में NSD का फॉर्म भरा। 2019 में फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पता ही है कि कोरोना 2 इन सबों का दौर चलते चलते 2019 चला गया, 2020 भी चला गया और 2021 में फाइनली एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड आने के बाद मैंने ये डायरी तैयार की थी। ये इसमें मैंने कैसे कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढा कि NSD में क्या, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, तो मुझे कहीं से भी जवाब नहीं मिला। पैराग्राफ तैयार किया कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता। उस वक्त मेरे साथ क्या था कि मेरा हाल में ही 6 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वॉकर पे था, मैं चल भी नहीं पाता था। अंदर बहुत डर लग रहा था कि एक ऐसा लड़का जो चल भी नहीं पा रहा है अपने पैरों पे, और वो NSD का एग्ज़ाम देने के लिए गया। 3 क्वेश्चन दिया गया था। 3 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था कि यदि NSD आपको 3 साल की डिग्री दे देता है तो आप अपने शहर में जा कर के थिएटर को कैसे बढ़ावा देंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि हाल में ही आपने कोई प्ले देखा है तो उसके बारे में विस्तार से बताइए, और सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना। उसके बाद जो है वर्कशॉप था, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था। सब बहुत प्रिपेयर कर रहे थे इनके लिए कि वर्कशॉप में क्या होगा, क्या हो। एक मोनोलॉग दिया जाता है 3-4, जिसमें से एक मोनोलॉग आपको याद करके आना है, और कविता दिया जाता है, जो कविता में भी एक कविता आपको याद करके आना है। इसके सिवा भी आपको अपना एक कविता याद करके जाना है, आपको अपना एक मोनोलॉग याद करके जाना है। तो मैं भी गया था, मैंने खुद की लिखी कविता सुनाई थी वहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि जाते के साथ मेरा वॉकर उन्होंने देखा ना, तो बोलते कि ये क्या है, एक्टिंग करना है क्या? मैंने बोला नहीं सर, मुझे एक्टिंग नहीं करना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए मैं अभी चल नहीं पाता हूँ। तो उसने बोला तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ, डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला ना तो रेस्ट करो। मैंने बोला सर नहीं, अभी इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ तो सर इंटरव्यू देकर जाता हूँ। तो इस तरह के थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ था, पर मैंने अपने आप को संभाला और वहाँ पे मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं कर सकता हूँ सर। उन्होंने डराया भी कि अगर थिएटर में मैं आपको ले भी लेता हूँ तो थिएटर में बहुत उछल कूद करना पड़ेगा, तो आप क्या कर पाएंगे? मैंने बोला हाँ सर, कर पाऊँगा, बिल्कुल सर कर पाऊँगा। तो फिर क्वेश्चन का सिलसिला चालू हुआ, उन्होंने बोला कि मोनोलॉग सुनाओ, तो मैंने मोनोलॉग सुनाया। मैंने सुनाया था आर्यक, सुनाया था मिर्च कटिक का एक मोनोलॉग है आर्यक का, वो सुनाया। तो उसमें उन्होंने बोला कि अलग अलग वेरिएशन में सुनाओ, हास्य रस में सुनाओ, करुण रस में सुनाओ, रौद्र रस में सुनाओ। तो मैंने सुनाया। उसके बाद बोला कि कौन सा थिएटर पढ़ के आए हो, कौन सा किताब पढ़ के आए हो? तो मैंने बोला कि सर मैं आषाढ़ का एक दिन पढ़ के आया हूँ। तो आषाढ़ के एक दिन पढ़ के जैसे मैंने बोला ना, उसके बाद उस आषाढ़ के एक दिन से 7 से 8 सवाल थे कि विलोम कौन था, कौन विलन है उसमें, कालिदास क्यों छोड़ के गया उसको, इस तरह के सवाल बहुत कि आषार कब आता है। उसके बाद बहुत सारे कि NSD क्यों आना चाहते हो, क्या हो जाएगा NSD आने से, तो इस तरह के सवाल भी बहुत सारे थे। उसके बाद वहाँ से सवाल जवाब हुआ, फिर मैं बाहर आया। बहुत डर से मेरा हालत ख़राब था। एक दिन ऐसे ही रात में मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है फाइनल वर्कशॉप में। मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं बहुत खुश हो गया था। तो फाइनल वर्कशॉप में तक मैं आपको ले जाता हूँ, तब तक ये वीडियो देख लीजिए।
यहाँ तक सफ़र मेरा बहुत अच्छा गया। खुशी भी बहुत थी कि चलो यार फाइनल वर्कशॉप तक चले गए। फिर मैंने YouTube, Google पे सर्च करना स्टार्ट किया, फाइनल वर्कशॉप में क्या होता है, फाइनल वर्कशॉप में क्या होता है, कैसे फाइनल वर्कशॉप दें, क्या करें क्या करें। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, अभी भी YouTube पे ऐसी कोई वीडियोज अवेलेबल नहीं है जिसमें फाइनल वर्कशॉप में क्या होगा, NSD क्या पूछेगी, किस किस तरह के सवाल आएंगे, किस किस तरह के इंटरव्यू होंगे, क्या होगा वर्कशॉप में, कुछ भी नहीं पता था। और हम पहुंच गए दिल्ली, और ये पहुंच गए हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो है ये आगे का ये दृश्य। और हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं तो हम लोगों को रोका नहीं जाएगा। और सर भी अभी आए हैं, दिनेश खन्ना सर। हम लोग जो है तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। दिनेश खन्ना सर आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप ओपन होने के बाद जो है हम लोग यहाँ से जो है कुछ सेलेक्टेड बुक्स लेंगे, जो 50% डिस्काउंट भी मिलता है मुझे ऐसा लगता है। और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो है ये आगे का दृश्य है। मुझे लगता है कैमरा बंद करना चाहिए मुझे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम सबों को एक हॉल में ले जाया गया, और वहाँ पे एक बड़े से स्क्रीन में एक प्ले चलाया गया, जिस प्ले का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का लिखा हुआ प्ले आप सबों ने पढ़ा होगा। उस प्ले का एक सीन हम लोगों को दिखाया गया। हम बोले हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक, हम देखे उस सीन को बहुत अच्छा से कंसंट्रेट होकर के देखे। उसके बाद हमें फिर से एक दूसरे हॉल में बैठा दिया गया, और हमारे सामने एक ब्लैंक पेपर, कुछ स्केच, कलर, ये सब दे दिया गया, और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया गया। यकीन मानिए कि सब एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे कि करना क्या है। फिर आधे घंटे के बाद एक मैम आई, बोली क्या अब तक आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। हम सभी ने पूछा कि मैम करना क्या था। तो सबसे फनी सवाल था। उसके बाद मैम ने कहा कि अभी जो आपने सीन देखा उसमें से किसी एक सीन को इस पे स्केच करना है और इसको एक नाम देना है जिसका उस प्ले से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और उसकी एक स्टोरी रचनी है, उसकी एक स्टोरी बनानी है, एक स्केच करके उसको एक नाम देना है और एक स्टोरी क्रिएट करना है। जितनी लड़कियां थीं वो तो पेंटिंग करने में महारत हासिल की थी, तो सब ने करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे साथ ऐसा था कि मैंने कभी भी अपने पूरे लाइफ में पेंटिंग नहीं की थी कभी, फिर भी मैंने कोशिश की बनाने की। और मैंने एक स्केच किया पेड़ पौधे का कुछ ऐसा, और उसका नाम दिया मैंने वनोप्रिया, क्योंकि उसमें एक सीन था जिसमें शकुंतला को एक वृक्ष से बहुत प्यार था, तो मैंने उसका एक प्यार को दर्शाया उसमें, और दर्शा के उसका नाम दिया वनोप्रिया। और वो स्केच हम लोगों से ले लिया गया, और हम लोगों को फिर छोड़ दिया गया। हम लोग फिर हॉस्टल, हम लोगों को दिखाया गया हॉस्टल में, हम लोग रहे रात भर, बहुत मज़ा किया। हॉस्टल की वीडियोस भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये रहा, गुड मॉर्निंग। कल जो भी चीज़ें हुई हमारे साथ, हम NSD के वर्कशॉप में हैं अभी जो है, यहाँ पे हम हॉस्टल में, NSD के हॉस्टल में रुके हुए हैं, और यहाँ पे हम दो दिन के NSD के मेहमान हैं। तो कल हमारे साथ हमारा वर्कशॉप पूरा हो गया है, तो वर्कशॉप में क्या क्या हुआ ये हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते थे आपको, क्योंकि वहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था, और दिमाग पे ऐसा प्रेशर था कि बस करना था जो भी करना था। और अभी हम यहाँ पे हॉस्टल में, हॉस्टल का सारा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा हॉस्टल है, बहुत ही मतलब यहाँ पे ये हमारा रूम मिला हुआ था B3, ठीक है। और यहाँ पे भी बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं इधर रह रहे हैं, सीनियर सब भी इधर ही रह रहे हैं, और हमारे जो रूममेट्स हैं लगभग रेडी हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल पैकिंग में है, क्योंकि हम लोगों का 9 बजे रिपोर्टिंग है। ये भी जो है पूरा ड्रेस व्रेस पहन रहा है, हमारे जो भी देखो पूरा आई कार्ड लटका दिए, क्योंकि आई कार्ड के बिना हम लोगों को बिल्कुल आज का ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला है। तो अभी जो है फिर हम लोग चलेंगे, 9 बजे की रिपोर्टिंग है, और टाइम जो है कितना हो चुका है, 8:48। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है।
उसके बाद जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और एनएसडी थोड़ा सा एनएसडी का दर्शन भी करेंगे, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हम लोग कल रात में नहीं देख सके थे और वो अभी हम लोग देखेंगे। और ये सारा माहौल है, अभी धूप उग चुका है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है। तो चले क्या? तो चलो यार जल्दी चलो फिर, तो चलो 5 मिनट के बाद हम लोग जो है एनएसडी की तरफ चलेंगे और फिर देखेंगे कि दिन में एनएसडी कैसा लगता है। सुबह सुबह 8 बजे का कॉल टाइम था, सभी 8 बजे पहुंच गए, फिर हमें ब्रेकफास्ट कराया गया और सच पूछो तो यार मतलब मेस का खाना टू गुड। एनएसडी से मुझे प्यार तो हो ही गया था, मतलब पहले ही दिन से हो गया था। उसके बाद 2 लोगों का टीम बनाया गया, सबको 2-2 लोगों की टीम बनाई गई, जितने लोग थे 2-2 लोगों की टीम बांट दी गई। मुझे एक लड़की के साथ टीम में बांट दिया गया और सभी टीम को आना था जज के सामने। जज का पैनल था, 22 जज का पैनल था, उस जज के पैनल के सामने सबको आना था। और उस समय टॉपिक दिया जाता था, हमें टॉपिक दिया गया था मर्डर इन 1 मिनट, इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो मर्डर इन 1 मिनट, 60 सेकेंड प्रिपेयर करने का टाइम और 2 मिनट प्ले करने का टाइम। 60 सेकेंड में 30 सेकेंड तो क्या करना है ये तो पता ही नहीं था। 30 सेकेंड में हमने एक प्ले तैयार किया मर्डर इन 1 मिनट और उस प्ले को 2 मिनट तक हमने दिखाया। फिर ब्रेक हुआ लंच टाइम, लंच टाइम के बाद 7 लोगों की टीम बनाई गई, 7 लोगों यानी कि 7 अलग अलग लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उसके बाद सच पूछो तो यार मतलब मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ था और अंदर से डर का सैलाब तो ऐसे बह रहा था कि क्या ही कहूँ मैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। सच पूछो तो एक चीज़ पता चल गया था कि एनएसडी वर्कशॉप में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बहुत कोशिश की, अपना 100% दिया और 7 लोगों की टीम बना दी गई। 7 लोगों की टीम को आधे घंटे का समय दिया गया और 5 मिनट का नाटक तैयार करना था। टॉपिक था कौवा चले हंस की चाल और 5 मिनट का नाटक तैयार करना था और उन्हीं जज के सामने हमें प्रेजेंट करना था। जंगलों का एक नाटक तैयार किया जिसमें सभी के सभी जानवर होते हैं, बंदर, मगरमच्छ, मछली, इस तरह का हमने एक प्ले किया। 5 मिनट का प्ले था, वो भी प्ले बहुत अच्छा गया। उसके बाद एक फिर से हम लोगों के 11 लोगों की टीम बांट दी गई कि यहाँ पे ही अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फंस गए तो फंस गए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे यहीं पे मिस्टेक हुई थी। 11 लोगों की टीम बनाई गई जिसमें से 11 अलग अलग अनुभव वाले लोग थे, सभी एक्टर थे, एक्ट्रेस थे। कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, जबकि एनएसडी यही देखती है कि आपका टीम वर्क कितना अच्छा है। आप 11 लोगों की टीम है या 22 लोगों की टीम है या 50 लोगों की टीम है, 50ों का बराबर योगदान है कि नहीं। वहां पे हम लोग मात खा गए क्योंकि 11 लोग एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे थे। सबको अपना बेस्ट करना था क्योंकि यह आखिरी मौका था उनके पास कुछ दिखाने का। और मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग में हम सबसे आगे आकर के अगर डायलॉग्स बोल रहे हैं वही एक्टिंग नहीं है। पीछे जो खड़े रहते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं या जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक्टिंग में है, अपने एक्ट में है, दैट इज वही एक्टिंग है, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने बोला कि अगर किसी की हिंदी अच्छी नहीं है तो एक काम करते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, कोई टेबल बन जाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक एक्टिंग है। तो हमारी कुछ लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी और सब ने अपने मर्जी का किया। इसका टॉपिक दिया गया था हमें विंटर इन माउंटेन। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट था और इसको भी प्रेजेंट करना था, इसके लिए हमें आधे घंटे का टाइम दिया गया और इसमें भी हमें 5 से 10 मिनट का नाटक दिखाना था। मगर वहाँ कुछ डिसाइडेड नहीं था तो मुझे लगता था, मुझे अब आज भी लग रहा है कि मेरा फाइनल वर्कशॉप पे नहीं होने का कारण भी वही था। और आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे मात खा रहे हैं, आप कहाँ पे फेलियर, अगर फेलियर हैं तो कहाँ आपकी कमी है। तो मेरी कमी वहाँ थी, मैंने अपना बेस्ट वहाँ नहीं दिया। तो चलिए ये था मेरा एक्सपीरियंस और कुछ वीडियोस मैंने शूट किया था एनएसडी में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि आपसे स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जो मैंने एनएसडी में शूट किया था, तो ये वीडियोस ये हैं। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह के एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मैं अपने चैनल पर लगातार अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियोज़ को, अपने शॉर्ट फिल्म को मेरे इतना सारा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक,
करके जाइए और अपने जितने भी एनएसडी प्रिपेयर करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। हम लोगों का एनएसडी वर्कशॉप आज खत्म हो चुका है और देखिए सारी भीड़ लग रही है अंदर, और इस सारे भीड़ में सारे लोग। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत शानदार। कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा? बहुत मजे आ गए भाई, बहुत सुंदर, अद्भुत। अरे बहुत अद्भुत, गजब का यहाँ, बहुत बहुत अच्छे लोग। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे क्या बताएं, छोड़ दो मत। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा भाई। एक्सपीरियंस आज का वर्कशॉप का? एक्सपीरियंस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस? अरे बहुत मजा आया, एंजॉयिंग मजा। एक्सपीरियंस आज का वर्कशॉप का? यू शुड सेंड आवर फोटो। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? बड़ा ही खूबसूरत था, और पता नहीं सर दुख रहा है, बड़ा बहुत ज्यादा। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? तेरे साथ परफॉर्म किया है, कैसा रहा होगा? और बाकी लोग छूट गए हैं लगता है। अच्छा, हमारा जो है सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत ही बेहतरीन। ये गिटार का यूज हुआ कि नहीं? बार पीछे नहीं हुआ। मुन्ना भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? मुन्ना भैया जिंदाबाद। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? एक्सपीरियंस कैसा रहा जल्दी बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पक्का ना? मुंह में घुस गया भाई तू। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? इसका यूज हुआ कि नहीं? आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा रहा? लगता है अभी सभी लोग का हो गया है, ये लोग जो हैं सारे फोटो लेने में बिजी हैं। तो मैं इधर, हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? इट वाज वेरी वंडरफुल, वेरी यू नो एक्सपीरियंस्ड, एंड आई एंजॉय टू मच। और यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, अब सभी जो है सभी अलग अलग स्टेट से आए हैं, और मतलब पूरे इंडिया यहाँ पे अभी देख रहे हैं, सारे इंडिया यहाँ पे, इधर 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 सारे इंडिया हैं, और सारे बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, क्योंकि ये लोग 2000 में से 232 लोगों में से एक हैं। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। ये मैं हूँ, ये मेरे जो है रूम पार्टनर्स हैं, और बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं आज रात में मैं इसी के साथ सोता हूँ। और कुछ लोग आज जा रहे हैं, और अभी हम लोग कैंपस घूमेंगे और पूरा एनएसडी का जो है मजा लेंगे। अभी वर्कशॉप खत्म हुआ है और कैंपस घूमेंगे, और जो है यहाँ पे बहुत मजा आया। ये ग्रीन रूम है, और थैंक यू सो मच। ये हमारा कैंटीन है, और सभी को लगता है मिल गया है। और ये जो है कुछ लोग जो भी बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये सच में सब चले गए क्या? हाँ हाँ, लग तो रहा है भाई। लड़के नहीं गए फाइनली जो है, आज थोड़ा रिलैक्स है, इसलिए वीडियो वीडियो बना रहे हैं। और लगभग लोग चले गए हैं, 33 कैंडिडेट्स में मुझे लगता है कि 5-6-7 लोग बचे हुए हैं जो कि आज जाने वाले हैं। तो आज आखिरी दिन है हमारा, सॉरी आखिरी ब्रेकफास्ट है हमारा यहाँ पे, और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये यार मेरा ग्रुप खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया। अब देखते हैं कौन आता है भाई। मुझे तो लगता है ये जो ब्लॉगर है ना, यही आने वाला है। और मज़ा आ रहा है ना? कैंटीन का खाना कैसा है? खाना कैसा है इसका? अच्छा ना, बहुत क्या यार, मजा आ रहा है। लास्ट ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, फिर घर पे ही करना है। अरे नहीं यार, अभी करना है यार, और करना है, और खाना है क्या? 3 साल करना है। चल ठीक है फिर तो। ऐसा है कि अभी ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पे एनएसडी का एक कैंपस का चक्कर राउंड 3 राउंड मारना है, और 3 राउंड मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब प्यार से निकल जाएंगे। निकाल देंगे नहीं तो निकाल देंगे। और ये हमारी तरफ से ये मिलाया मैं, और बाहर बुक स्टॉल है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, चलते हैं किताबें खरीदने के लिए। अभी जो हमारा लंच वंच सारा कंप्लीट हो गया है, ये एनएसडी पीछे हमारे एनएसडी दिख रहे हैं, और हम लोग जो है अभी बुक स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। और बुक स्टॉल में क्या फोटो लेना है? फोटो ले लेते हैं तो फिर चलो लेते हैं फिर तो। ये स्टूडेंट यूनियन है, अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट करना होता तो यहाँ पे करते हैं। और ये हम लोग एनएसडी से दूर जा रहे हैं, तो बहुत रोना आ रहा है यार। जाके कैसा लग रहा है? यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा ना? और मैं अभी जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, थोड़ा बैठे नहीं, पहले बुक स्टॉल चलते हैं अपन। चले चले तो
अच्छा ठीक है तू आ जा। अभी जो है हम लोग यहाँ पे बुक स्टॉल जा रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं अंदर, तो और भी जन्नत भरी किताबें होंगी। ये भाई पता नहीं बुक बेच रहा है क्या, बुक बेच रहे हो क्या? लिया कुछ? अच्छा सॉरी, ये तो आईडी कार्ड वाला लगता है, हमारा साथी है। मास्क खोलना जरा। क्यों रौनक? अच्छा ये तो अपने बंदे हैं क्या, कुछ बुक पसंद आया क्या कोई? हाँ ले रहे हैं। चल ठीक है हम भी जाते हैं फिर अंदर। नाट्यशास्त्र मेरे को भी लेना है, वो चैप्टर अलग से में आ जाएगा क्या, वो एक्टिंग वाला जो है अभिनय वाला? अलग से? हाँ आता है ऐसे, उसका अलग से भी बुक आता है अभिनय वाला। पूरा नाट्यशास्त्र में अभिनय का सिर्फ एक ही पार्ट तो है ना, दो चैप्टर है सिर्फ। ये सारे किताबें हैं यार, जन्नत है। अंधेर नगरी? अच्छा ये तो मैंने रट लिया पूरा, अंधेर नगरी चौपट राजा किया भी था मैंने। बहुत सारी किताबें हैं, तो चलो अभी मैंने दिखा दी सारी चीज़ें और मैं किताबें खरीदता हूँ। किताबें कैंडिडेट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मतलब चिल कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन जो है सभी डिप्रेशन में चले गए थे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, क्या खोए थे, क्या मतलब अपनी पेंटिंग देख के मुझे इतना मजा आया। और सभी की तो मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसा स्वागत हुआ जो मतलब मजा आ गया। अभी सभी जो है यहाँ पे चिल करने के लिए बैठे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं, और मजा आएगा देखो। ये भी कलाकार निकल गया। पंजाबी मलयालम सारे बुक्स में से मैंने एक ये बुक लिया है। अभी मैंने तुगलक सोचा कि तुगलक मिल जाए, तो तुगलक अभी तक मिला नहीं। ये कैंपस मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, और मुझे लगता है कि मैं अब हम लोग चल रहे हैं क्या हम लोग? हाँ चलते हैं। ठीक है फिर। आते के साथ एक मंदिर है और हम लोग ये एग्जिट किए, और एक बार प्यार से एनएसडी को मैं बाय बाय करना चाहता हूँ बाहर से। तो बिल्कुल सफ़र मुझे लगता है ये चला, अब हम लोग अपने अपने घर की ओर चले। सफ़र बहुत मज़ेदार रहा ना? हाँ जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर ही चले जाएं, बाहर निकल रहे थे तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दिन का वर्कशॉप, पता नहीं लगा कि तीन चार दिन पाँच दिन का वर्कशॉप है यार। सबसे अच्छे तरह से घुल मिल गए हैं। आज 12 बजे के बाद ये लोग भी अलग हो जाने वाले हैं। पाँच छः दिन का होना चाहिए था, बाजार में रोके जाते थे यार। अगर पाँच छः दिन का होता तो अभी ऐसा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कब से रह रहे कब से नहीं। चलो फिर कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। फाइनली ये हॉस्टल को हम लोग लीव कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, दो बंदे रह करके अश्विन और ये दोनों जो है, इन दोनों का रात में ट्रेन है। जॉय और हम पैकिंग कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, हमारा पैकिंग कंप्लीट है। और मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ, जिन्होंने जो कोई भी रहते होंगे, इतना प्यारा सा शायरी लिखा है इन्होंने, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक खामोशी का तुमने एक आईना बना रखा है, यह लो मेरी आवाज़ का पत्थर,
इसे तोड़ दो, उसी के पीछे मैं रहता हूँ, शायद वहाँ तुम्हारी खामोशी और मेरी आवाज़ एक हो जाए। सरफराज अली मिर्जा, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पे ये प्यारा सा हॉस्टल जिनमें हम लोगों ने दो दिन बिताई और एक रातें बिताई, सॉरी दो रातें बिताई हैं, तो बहुत खूबसूरत सा हॉस्टल को हम लोग जाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी जाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं जो भी हो अच्छा हो, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए अभी हम लोगों का प्लान है एक्चुअली में कि कहीं जाने का, तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने।